हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बॉय इन्फॉर्मेशन फॉर मॉमीज़। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ हम छोटे बच्चों को बिफोर नंबर एंड आफ्टर नंबर एंड बिटवीन नंबर कैसे सिखा सकते हैं आसान तरीके से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस मैथड को बोला जाता है नंबर लाइन मैथड। मैंने यहाँ पर लाइन खींचकर उसमें नंबर्स लिखे हैं 1 से 10 तक। आपको बच्चे को क्लियर करना है कौन सा नंबर किसके पहले आता है और कौन सा नंबर बाद में आता है। सबसे पहले आपको बच्चे को 1 से 20 तक काउंटिंग सिखानी है सीक्वेंस से। ये नहीं होना चाहिए कि आपका बच्चा सीधे 1 के बाद 4 बोल रहा है, उसे 1, 2, 3, 4 करके पूरी नंबर्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आप बच्चे को बताएं कि बिफोर यानी पहला नंबर होता है और आफ्टर यानी बाद का नंबर होता है। ठीक है, बच्चे को समझाएं कि जब आप बिफोर नंबर फाइंड आउट करोगे तब आपको लेफ्ट साइड जंप करना है और जब आप आफ्टर नंबर फाइंड आउट करोगे तब आपको राइट साइड में जंप करना है। इससे बच्चे को क्या होगा, आसानी हो जाएगी नंबर्स को फाइंड आउट करने में। जैसे मैं यहाँ पे पूछूंगी 2 के पहला नंबर कौन सा है, 2 का बिफोर नंबर कौन सा है, बच्चा क्या करेगा लेफ्ट साइड पे जंप करेगा 1 है। 5 का बिफोर नंबर कौन सा है, 4 है। इस तरीके से आप बच्चे को क्लियर करिए क्या करना है, लेफ्ट साइड पे जंप करना है जब आप बिफोर नंबर को फाइंड आउट करेंगे, और आफ्टर नंबर को फाइंड आउट करने में राइट साइड पे 1 स्टेप जंप करना है। अब मैं यहाँ पे पूछूंगी आफ्टर नंबर, 4 का आफ्टर नंबर कौन सा है, क्या करना है राइट साइड पे जंप करना है, 5 है। 6 का 7, 6 का है 7। 8 का आफ्टर नंबर है, राइट साइड जंप करना है 9। ठीक है, 9 का आफ्टर नंबर कौन सा है, राइट साइड पे जंप करना है 10 है। वेरी गुड, 3 का आफ्टर नंबर कौन सा है, 3 का आफ्टर नंबर है राइट साइड जंप करना है 4 यानी बाद का नंबर। 2 का आफ्टर नंबर कौन सा है, 3। 7 का आफ्टर नंबर कौन सा है, 8। वेरी गुड, इस तरीके से आप बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, कम से कम एक हफ्ते आप बच्चे को नंबर लाइन के थ्रू बिफोर एंड आफ्टर नंबर समझाइए, उसके बाद आप देखिएगा जब बच्चे के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब आपको कोई नंबर लाइन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा खुद आपको बताएगा बिफोर नंबर एंड आफ्टर नंबर। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इसके बाद बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम बात करते हैं बिटवीन नंबर की। बिटवीन नंबर यानी बीच का नंबर, आप देखिए 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर है, 5 है। इसी तरह से 2 और 4 के बीच में नंबर कौन सा है, 3 है। ऐसे ही 7 और 9 के बीच में कौन सा नंबर है, 8। इसी तरह हम बच्चों को बता सकते हैं कि बिटवीन नंबर वो होता है जो दो नंबर के बीच में आता है। जैसे यहाँ पर मैं पूछूंगी 6 और 8 के बीच में कौन सा नंबर है, 6 और 8 के बीच में कौन सा नंबर है, 7। 7। 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर है, 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर है, 4। 4। 1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर है, 1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर है, 2। 2। 8 और 10 के बीच में कौन सा नंबर है, 8 और 10 के बीच में है 9। 9। इसी तरह से बच्चे से आप और चीज़ें भी पूछ सकते हैं, जैसे 4 एंड 6 के बीच में कौन सा नंबर है, 4 एंड 6 के बीच में है 5। 6 और 8 के बीच में है 7। 1 और 3 के बीच में है 2। इसी तरह से आप बच्चे को बिटवीन नंबर भी क्लियर करवा सकते हैं। एक चीज़ और फ्रेंड्स, जब आप बच्चे को बिफोर नंबर एंड आफ्टर नंबर एंड बिटवीन नंबर समझाएंगे तब आप एक ही मेथड के थ्रू बच्चे को समझाएं। ये नहीं है कि आप दोनों मेथड से बच्चे को समझा रहे हैं, इससे क्या होता है बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्या बताया गया है।
तो इसलिए आपको बच्चे को एक ही मेथड से समझाना है, या तो आप नंबर लाइन के थ्रू समझाइए, ये बहुत ही आसान मेथड है बच्चों के समझने के लिए, इससे बच्चे बहुत ही आसानी से समझते हैं बिटवीन नंबर एंड बिफोर नंबर एंड आफ्टर नंबर। तो आप इसी मेथड के थ्रू बच्चे को समझाइए, ये बहुत ही आसान मेथड है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।